कृष्णा टोल पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि गनीमत यही रही कि वो अभी तक सही सलामत हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन उनके घर के बाहर दिल्ली के अंदर तमाम जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे। क्या नाम है जी? शादाब चौधरी, हसनपुर विधानसभा अध्यक्ष। अगर हम कल बात करें तो मेरठ के अंदर जो प्रचार चल रहा था उस वक्त जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और जो ये फायरिंग हुई है कैसे इस घटना को? सर, ये घटना बी प्लानिंग हुई है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये काबिल शख्सियत हैं और उनका पैराग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसको देखते हुए तमाम पार्टी, जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो घबरा गई हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए तमाम, आप कहाँ से हैं? जी मैं कामा, मेवात का एक टुकड़ा है, नूह मेवात कामा, उधर ही पड़ता है हमारे उधर जी। अच्छा, ये बताइए कैसे देख रहे हैं इस घटना को? ये जो घटना को, जो हमारे बैरिस्टर साहब का ग्राफ चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, ये इन गुंडे लोगों पर मेरे हिसाब से सहन नहीं हो पा रहा है। और इनको जब राजनीतिक करनी है तो सहन शक्ति भी बराबर रखनी चाहिए, और इस तरीके से अगर देश का माहौल बिगाड़ा गया तो ये सहन नहीं हो पाएगा, और देश में कहीं भी किसी भी हद तक कोई माहौल बिगाड़ने का पूरा आशंका है चारों तरफ। और इस तरह से आग ये लगाएंगे तो आग फिर देश की दुनिया भी लगाएगी इस तरह। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो उनके समर्थक हैं वो पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से पहुँचे? जी मैं गाजियाबाद से। क्योंकि गाजियाबाद में अगर ये इस तरीके की घटना हुई है और खुलेआम दो शख्स हैं वो फायरिंग करते हैं, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरी घटना को आप मानते हैं कि एक सोची समझी साजिश थी? ये एक सोची समझी साजिश है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब दौरे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आवाम के अंदर जो है एक मकबूलियत उनके पैदा हो रही है और लोग आवाम जुड़ रहे हैं उसमें। किसी जाति समाज से नहीं मसला है, आज उसके अंदर वैसे साहब के अंदर एक काबिलियत लोग देख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और ये तो एक अफवाह है कि उन्होंने हीट स्पीच या ऐसी तरीके से तकरीर करी है, तो ऐसे में हम समझते हैं पूरा देश इस बात को जानता है। जब भी बोलते हैं संवैधानिक के दायरे में बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। आज विरोधियों खामे में एक हलचल पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कोई लीडर आ चुका है जो दलितों की और मुसलमानों की बात कर रहा है, अदर समाज की भी बात कर रहा है। अगर हम बात करें पुलिस की तरफ से, 5-1 टीमें भी बनाई गई हैं जांच के लिए, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की जांच से अभी आप लोग संतुष्ट हैं? अभी कोई संतुष्टि नहीं है। मैं चांदपुर 23 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने के लिए आए हम लोग, और अभी तक कोई जो है संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। जो भी इन लोगों ने माहौल को ख़राब किया है, ये जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, माहौल को ख़राब करना चाहते थे, ये कौन लोग हैं, ये जिम्मेदारी लें और इसका खुलासा करें किन लोगों ने इनको तैयार करके भेजा गया था। और जब भी इस चीज़ का मालूम होगा कि ये लोग कहां से आए थे, कहां कहां इनकी प्लानिंग थी, कहां से इनकी ट्रेनिंग थी, कहां से इनको असला मिला और कौन कौन लोग उसमें शरीक थे, किन लोगों ने इन असला मुहैया कराया, और इसमें किस किस तरीके से जो भी साजिश की गई है इसका खुलासा होना चाहिए। हम लोग जब ही इस चीज़ से मुतमईन होंगे, अभी तक कोई घटना की जो है जांच होनी चाहिए और बड़ा जो खुलासा है वो होना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर ही हम लोग मौजूद, और यहाँ पर लगातार जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो उनके वेलविशर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। हालाँकि कल देर शाम ये घटना हुई और फिलहाल दोनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके लगातार जो समर्थक हैं वो मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो अब केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है कि उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमी त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।